सोसाइटी बड़ी कटी फटी थी, मुगल आ गए थे और उन्होंने इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए। तो एक तो सिख धर्म के थ्रू, जो बाद में ये सिख वर्ल्ड तो बाद में शुरू हुआ है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में ये शब्द शुरू किया गया है। पहले कोई सिख नहीं था, पहले सब हिंदू ही थे, इनके माता पिता सबके हिंदू थे, सब गुरुओं के माता पिता हिंदू ही थे। तो वो सारा हिंदुइज्म ही था, लेकिन रिफॉर्म था, जैसे आर्य समाज बन गया, राइट, वो भी रिफॉर्मेशन था। जैसे राधा स्वामी बन गए, जैसे निरंकारी बन गए, जैसे है तो सारे थे, एक तो एक। लेकिन ये जो जो बात आज करनी है हमने, कि गुरु नानक देव जी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि अवेयरनेस लेना सोसाइटी में, कि भी ऑनेस्ट मीन से, अब भगवत गीता भी कहती है, द मीन्स शुड जस्टिफाई द एंड, मीन्स शुड जस्टिफाई, दैट मीन्स कि जो आप कमाई करते हो वो धर्म की कमाई करो। ये नहीं कि लूट पूट के आप अमीर बन गए, अमीर तो आप बन गए, लेकिन जो आप अमीरी भुगत रहे हो उसमें लोगों का खून है। उन्होंने बताया भी, उनके घटना है एक बहुत अच्छी, विच आई जस्ट वॉन्ट टू विद लिमिटेड टाइम, कि किसी ने, किसी अमीर मार्मी ने, जागीरदार ने गुरु नानक देव जी को घर में बुलाया कि भाई खाना खाना, आज शाम का खाना मेरे घर है, गांव में ठहरे हुए थे बाहर। तो एक गरीब ने भी बुलाया, जो सबसे गरीब था उस गांव का, तो बाबा जी आज हमारे घर आना। तो वो बड़ा पावरफुल बंदा था, अमीर था दूसरा बंदा, लेकिन गुरु नानक देव जी इंटेंशनली उस गरीब आदमी के घर गए और उसका खाना खाया, उसको आशीर्वाद दिया। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, वो जो जागीरदार था, कि मेरा इनविटेशन था, मैंने आपको पहले बुलाया था। तो गुरु नानक देव जी उसके पास गए और उसको समझाया कि भाई ये तेरी जो रोटी है, अगर तू मुझे देता तो वो मैं तो खून खाता, खून पीता। वो कहता ये आप, मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आई। वो कहता जो रोटी बनाई हुई है वो मुझे दे। तो उन्होंने रोटी पकड़ कर उसको स्क्वीज किया, तो उसमें से खून था, खून निकला उस रोटी में से। तो ही मेड द पॉइंट कि भाई ये जो आपने धन दौलत इकट्ठी की है, ये पाप की कमाई है और मैं पाप की कमाई नहीं करता। तो इसलिए मैं उस बंदे के पास गया हूँ जो मेहनत करता है, किसान है, छोटा सा है। तो ये उनका दृष्टांत है। ऐसे ही जब मक्का में थे तो वो लेटे हुए थे, तो किसी ने कहा कि जी आपकी टांगे जो है, ये जो मस्जिद है इस तरफ आपने क्यों की हुई है, ये तो खुदा का घर है। वो कहते हैं भाई ऐसे कर तो मेरी टांगे जिधर करनी है। तो उन्होंने टांगे घुमाई तो मक्का भी घूम गया, मक्का भी घूम गया। तो पॉइंट था कि प्रभु जो है, ईश्वर जो है, ओमनी इम्पोर्टेंट है। वो मंदिरों, मस्जिद में, गुरुद्वारों में नहीं रहते, वो सब जगह रह रहे हैं। ये उन्होंने पॉइंट प्रूव किया। तो ये जो छोटी छोटी उनके जीवन का दृष्टांत है, ये एक बड़ी सच्ची और बहुत ऊंची उनकी देन है हमारे देश को, और उसको हमें पालना चाहिए। लेकिन आजकल लोग जो है वो बॉक्स में बंद हो गए हैं, अपनी बात ही करी जा रहे हैं, जो ओपन बात नहीं करते कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब है, इट इज द रेप्लिका सारे संसार के लिए है, ये सिखों के लिए नहीं है, सबके लिए है, जैसे भगवद गीता सबके लिए है। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइमली करनी चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब जी सारे दुनिया के लिए, ये सिखों के लिए नहीं है, उसको बॉक्स में नहीं बंद करना चाहिए। इसीलिए लोग पढ़ते नहीं, जब आप कुछ बॉक्स में कर देते हो, लेकिन आपने ओपन रखी हुई है, सारे लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो विचार है उनके सारे के सारे वो यूनिवर्सल, कोई सेक्रेटेरियन थॉट है ही नहीं। सो दिस इज माई कंट्रीब्यूशन ऑन दिस डे, एंड दिस इज राइट ट्रिब्यूट टू चैलेंज योर सेल्फ एंड मेक द एडजस्टमेंट वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। बट गुरु नानक देव जी जो कंट्रीब्यूशन है इन धर्म में, धर्म में, धर्म मीन्स राइट राइट थिंग, वैल्यू सिस्टम में, कि धर्म की कमाई खाओ,
राइट मीन्स अपनाओ, ईश्वर सबका सब जगह भला करते हैं, ये भी एक पथ की बात है। और ईश्वर जो है, ये गुरु नानक देव की जितनी वाणी है, शब्द है, उनका जो निचोड़ है वो ये है कि वो ना तो गुरुद्वारे में रहते हैं, ना मंदिर में रहते हैं, ना मस्जिद में रहते हैं, ना चर्च में रहते हैं, ना सिनेगॉग में रहते हैं, वो कान कान में है। अपनी दृष्टि को बदलो और उसको, उसकी पूजा करो, उसको देखो। तो जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो कुछ यूनिवर्सल बंदे आप बन जाते हो, आपकी समझ सोच सब बदल जाती है। गुरु नानक देव जी की ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने आप छोटी सी भाषा में इतनी बड़ी चीज कह दी है और सोसाइटी को बदल के रख दी है। और एक बात उनकी बड़ी अच्छी थी कि he treated the women as equal, कहते ही औरतें if they can give birth to kings, they're higher end, I mean they're high, they should be equal, no law के और ये वो, there should be no such thing, वो पहले से उन्होंने कहा, and कोई caste creed ये वो कुछ नहीं होना चाहिए, everybody is equal, there should be no caste this thing, ये system बंद करो, this is what he said long time back, अब देखो अभी भी 100% तो नहीं हुआ ना, चल रहा है अभी, औरतों को भी कितनी जगह में, they're still not treated equal, but चलो one day they might happen, you never know. So we always pray for that. आपका prayer उस बारी रह गया, but we'll do in the end, करेंगे जरूर। तो मैं सुजाता जी को, she's sitting listening there quietly. I'd like to add something. सुजाता जी आपकी आपने म्यूट किया हुआ है? Are you mute? हाँ. Yeah, muted. I'm sorry. मैं सुन तो रही हूँ, सुन रही हूँ, but म्यूट था। हाँ जी. सिखिज्म को सोचते ही ना, मैं हूँ नहीं, सरदार नहीं हूँ, मैं सिख फैमिली को नहीं बिलोंग करती, बट अपना दिल सिखिज्म के साथ वो बचपन का जुड़ा हुआ है, जब से हम लोग गुरुद्वारे जाते थे और वहाँ पर हमने भी चपले लाइन से एज अ बच्चा चपले लाइन से लगाई हुई हैं, सबके पैर धोना, ये सब कार्यक्रम किए हुए हैं, सबसे ज्यादा तो वहाँ के लंगर छके हुए हैं ये बचपन की अपनी जो याद है। तो वो कहते हैं ना कि कहीं भी जाओ वहां पर अपनी जो एक कोई इंसान छाप छोड़ देता है ना, तो सिखिज्म ने एज अ रिलीजन नहीं, उन्होंने इमोशनली हम लोगों के ऊपर एक जो छाप छोड़ी हुई है कि यू आर नेवर अलोन एंड यू कैन नेवर बी फियरफुल अगर आपके साथ कोई सरदार खड़े, राइट? ये बचपन से सुनते आए हम। एंड आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते अगर आप पंजाबियों के बीच में हो, एक सरदार फैमिली के बीच में हो। एंड जो ये कहते हैं ना कि वंड छको है ना, वो जो उन्हें दे नानक जी दे दो तीन है गे, मैं उन्हें देख ही रही सी, अनफॉर्चुनेटली सानू रटे हुए वंड छको और किरत करो, कीरत करो, कीरत करो जो है कि वर्क ऑनेस्टली, जो काम करते हो उसमें कोई धोखागिरी नहीं, कोई छल कपट नहीं, ईमानदारी से करो। नरेंद्र जी सब टाइम कहते हैं कि आपके अंदर वो चित्रगुप्त बैठे हैं, गुरु नानक जी बैठे हैं या रामकृष्ण बैठे हैं, जो बैठे हैं वो देख रहे हैं आपको। तो जो कार्यक्रम करते हो, जो बोलते हो, जो सोचते हो, वो ये सोच के करो कि अंदर कोई बैठा देख रहा है। आपकी भी लाइफ हिस्ट्री, आपको भी, आपको पता नहीं, वो ऑटोमेटिकली एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी जो जो आपने कर्म किए हैं। तो जब अपने परिवार को अब जिन पैसों से खाना खिलाने वाले हो, उस कर्म में, उस पैसे में कोई नाम और नहीं होना चाहिए, कालक नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, तो कीरत करो। एंड द थर्ड थिंग वॉज नाम जपो, नाम तो रोज ही जपो, किसी भी फॉर्म एंड शेप च जप लो, तुसी मुस्लिम हो, तुसी सिख हो, तुसी हिंदू हो, तुसी बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नाम तो जप दे, तो नाम जपो, एक रब नू सोच के जपो। अगर अपने ही रब नू जपना है, अपने ही रब नू जपो, इट इज अनदर पैथ टू द सेम प्लेस, एक ही जगह तुसी पहुंचोगे, ते नाम जपो। ते ये तीन जो ये बातें नानक जी ने बताई हुई है, ये बहुत अच्छी है। और मेरे को जो बचपन का अपनी मम्मी का याद है, साधो मन का मान त्यागो, ये नानक जी का लिखा हुआ है,
साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध, मैं यहाँ गा नहीं सकती अनफॉर्चुनेटली, मेरा बड़ा ही फेवरेट है ये भजन। साधो, आप सबको ही वो कह रहे हैं कि साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहिनिस भागो, इस सब को छोड़ के आप अपने अंदर से ये जो सारे ईवल्स हैं, डेवल्स हैं, काम क्रोध संगत दुर्जन की, इन सब को त्यागो एंड सुख दुख दोनों सम करी जानो, सुख को भी एंड दुख को भी, कहना और करने में फर्क होता है। यहाँ पर जब मैं देखती हूँ दुख आता है, शारीरिक दुख आता है, तो उसके साथ साथ ही मानसिक दुख भी आ जाता है। बट अगर इंसान एक सेकंड के लिए सोचे कि ये स्टेज है और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, और जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो आप एक ऑडियंस की तरह कुछ देर के लिए पार्टिसिपेंट ना बन के ऑडियंस बन के देखो, तो एक खेल है, तो उस खेल में आपके हिस्से में इस टाइम दुख आया हुआ है, तो उस दुख को आपको ये अपने अच्छे वक्त के सुख के साथ जब कंपेयर करते हो तो आपकी आत्मा ढीली पड़ती है। बट आप सोचो कि ये सब खेल है, आज अप है या आज डाउन है, आज अप है या आज डाउन है, बस ये रोलर कोस्टर राइड जो चल रही है। तो सुख दुख दोनों को सम भाव से, जो गीता में भी लिखा हुआ है, सम भाव से अगर आप जान के करते हो, और मान अपमान इन सब चीजों को, एक किसी ने बेइज्जती कर दी या किसी ने इज्जत कर दी, उसको भी आप एक सम करके मानो, तो हर्ष सोते रहे अतीता, मतलब आप हर्ष से भी, खुशी से भी एंड शोक यानी कि सौरो दुख से भी आप अपने आप को छट के रखो। ते रहे अतीता तिन जग तत्व पछाना, ये जग का जो तत्व है, ये नानक जी कह रहे हैं कि इस तत्व को आप पहचानो। तो बड़ी ही अच्छी है ये जो इन्होंने पूरा भजन लिखा है। सेकंड पैराग्राफ है, अस्तुति निंदा दोउति आगे, या तो वो कोई आपकी निंदा कर रहा है या आपको आपकी अस्तुति कर रहा है, या आप किसी की अस्तुति करते हो या निंदा करते हो, तो ये दोनों चीजें त्यागो। किसी को बुरा कहना कि कौन क्या करता है, इट इज फन एंजॉयबल बिकॉज इट्स गॉसिप, बट इन दोनों चीजों को त्यागो, वहां से आपको निर्वाण का पद मिलता है। जब आप इतने खाली दिमाग से काम करते हो बिना निंदा के एंड बिना किसी की बहुत ज्यादा बढ़ाई करने के, तो आपको निर्वाण का ही पद मिलता है। तो कह नानक ये खेल कठिन है, वो खुद कह रहे हैं कि कह नानक ये खेल कठिन है, कोई गुरुमुख जाना, मतलब ये सिर्फ गुरु के मुख से ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कि कैसे आपको निर्वाण पाना है, कैसे अस्तुति निंदा को त्यागना है। ये खेल चाहे कठिन भी है, फिर भी आप किसी गुरु, गोविंद इक्वल्स गुरु, गुरु इक्वल्स गोविंद, दोनों एक समान है, तो किसी गुरु जो गोविंद जी हैं उनको अपना गुरु मान के आप ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। साधो मन का मान त्यागो, ऐसे है। Oh my God, सुजाता जी आपने तो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, वीरेंद्र जी ने इतना अच्छा, that I learn so much, you know, आपने खाने की बात करी कि किसी कोई भी साथ, देखो लंगर का जो सिस्टम चल रहा है गुरुद्वारों में, वर्ल्ड में चल रहा है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक में किसी गुरुद्वारे वालों ने कोई एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सुनो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, कनाडा, अमेरिका में भी, इंडिया में, मतलब दे वेंट एंड डिलीवर्ड फूड टू सो मेनी एंड वेरी वेल, आई मीन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड को पता चला कि कितना देने वाले हैं। एंड इवन इफ यू गो टू यूरोप और ऑल, कहते गुरुद्वारे में जाके ठहरो, गुरुद्वारे में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, खाना पीना रहना। So when people go to different places, they know कि गुरुद्वारे में जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। So this is such a big thing that started at that time, जब उन्होंने, बाबा जी ने जब पैसे कुछ उनके फादर ने दिए थे थोड़े से, then he went out and he shared the money with the people who were very poor. He said, मैंने वहां, कहते कहाँ गए थे, व्यापार नहीं करके आया, कहते नहीं, मैं तो सबको वहां पे खाना खिला दिया। You know, he thought process था उनका। So we have to learn a lot from these things. आपने इतना अच्छा समझाया निरंदर जी, I learned a lot from you, because now you're telling me to go back all the way so many years ago, and it's the same thing that जो बाबा जी ने कहा है।